हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सवाल मेरे पास ये आया था कि जिस दिन हमने रिलेशन बनाया उसी दिन हमारे पीरियड आ गए, यानी कि रिलेशन हमने आफ्टरनून में बनाया और नाइट में या फिर शाम के टाइम पे हमारे पीरियड आ गए, तो क्या इसके बाद भी प्रेगनेंसी के चांस होते हैं? यानी कि जब आपने रिलेशन बनाया उसके बाद उसी दिन आपके पीरियड आ गए या फिर अगले दिन पीरियड आ गए, तो क्या इसके बाद भी प्रेगनेंसी के चांस होते हैं? यही जानेंगे। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो देखिए, जब आपका रिलेशन बनता है और उसके बाद आपके पीरियड आ जाते हैं, उस दिन या फिर नेक्स्ट डे आपका टाइम होता है डेट और आपकी पीरियड आ भी जाती है, तो इस केस में आपको प्रेगनेंसी नहीं लगती। यानी कि रिलेशन बनाने के बाद पीरियड आ जाना कुछ समय बाद या फिर उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे आपका पीरियड आ जाता है, तो उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं। क्योंकि एक तो उस टाइम पे आपके शरीर में अंडा मौजूद नहीं होता है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। लेकिन किसी महिला की इरेगुलर पीरियड है, उनको 15 दिन में आ रहे हैं, कभी 20 दिन में आ रहे हैं, तो इस केस में उनको प्रेगनेंसी हो भी सकती है अगर उनको पीरियड ना आए तो। यानी कि सपोज दैट पिछले महीने उनको 20 तारीख को पीरियड आया और इस महीने भी आप 20 तारीख को रिलेशन बना रहे हैं और उसी दिन आप सोच रहे हैं कि पीरियड का डेट है तो हमें प्रेगनेंसी नहीं होगी, और आपकी इरेगुलर साइकिल है यानी कि हर महीने अलग अलग डेट पे आपको पीरियड आती है, तो उस केस में आपको प्रेगनेंसी के लगने के चांस होते हैं। प्रेगनेंसी उन महिलाओं को नहीं लगती जिनकी रेगुलर साइकिल होती है, अगर वो पीरियड डेट के आसपास रिलेशन बनाते हैं या फिर रिलेशन बनाने के बाद आपका पीरियड आ गया, उन महिलाओं को जो है प्रेगनेंसी लगने के चांस नहीं होते हैं। लेकिन जिनकी रेगुलर साइकिल है और उनने अपने पिछले डेट के हिसाब से रिलेशन बनाया इस महीने भी, तो उनको प्रेगनेंसी लग भी सकती है, क्योंकि आपका कोई फिक्स नहीं है कि आपका ओवुलेशन कब हुआ है। सपोज दैट जिस टाइम पे आपने रिलेशन बनाया उसी टाइम पे आपका ओवुलेशन हुआ हो, अंडा मौजूद हो, तो वहां पे आपको प्रेगनेंसी लग भी सकती है। तो इरेगुलर पीरियड वाली महिलाएं ध्यान रखें इस बात का। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई सवाल है आपके नीचे कॉमेंट में लिखें या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।